मालकपुर गोल्ड, और मैं चंदा करता हूँ बीजी चौक में जो बसें आती हैं चंदा करता हूँ। तो एक कनेक्टर डिफाल्टर सा लड़का है, उसने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया कि बोलता है मुझे मेरे घर हतम में आना। फिर फ़ोन करता है 2 बजे के मेरे घर हतम में आना, मैं नहीं आ सका। फिर परसों की बात है, उसने मुझे बीजी में पकड़ा, मेरा मोबाइल छीना और ले गया मुझे दुकान पे। दुकान में बोलने लगा चल मेरे साथ, मुझे सिगरेट लेके दे 10 रुपये की सिगरेट। मैंने कहा चंदे का पैसा है, मैं तुझे कैसे लेकर दे सकता हूँ, मुझे क्यों गुनहगार कर रहा है, आप ही गुनहगार हो रहा है। फिर उसने मुझे मारा, फिर बोलने लगा तू मौलवी है भी या नहीं, है भी है कि नहीं, तू खत्म पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। फिर मुझे इसने मारा, फिर उसके बाद मुझे कान पकड़ा रहा है, बोल रहा है टोपी उतार के नहीं लगा के कान पकड़ने है तूने। फिर मैंने कहा नहीं टोपी नहीं उतारूंगा, टोपी उतार के कान पकड़ूंगा। फिर इसने मुझे मारा, थप्पड़ भी मारे, फिर मेरी एक नबी पाक की शान में गुस्ताही की, नबी की सुन्नत को इसने गर्क किया, मेरी दाढ़ी को जो है इधर काट लगाया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, कि मेरे साथ जो हुआ इसका कार्रवाई की जाए, इंसाफ मिले, और ये जो नबी पाक की सुन्नत में गुस्ताही किया है इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसके लिए जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। रहीम, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो पर ये शख्स आज कुदरती यहाँ इसके साथ हमारा आमना सामना भी हो गया। ये एक मदरसे का चंदा काफ़ी अरसे से कर रहा था, और सुना है कि बीजी में ये चंदा कर रहा था, और इसके साथ एक लड़के ने जो बदतमीज़ी की है वो वीडियो सारी दुनिया के सामने मौजूद है। उस वीडियो के अंदर उसने सबसे पहले इसको वहाँ बिठाया, थप्पड़ मारे, और वीडियो भी बना रहा, थप्पड़ भी मार रहा, फिर कैंची पकड़ के इसकी दाढ़ी काटी है। मैं यहाँ मेंडर की एडमिनिस्ट्रेशन से, जनाब SDPO साहब मेंडर से, जनाब SDM साहब मेंडर से, SSP पुंछ से, DC पुंछ से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो SHO गुरसाई, जिसके पास इस वक्त वो लड़का जिसका नाम रमज़ान अजीम है, वो इस वक्त गुरसाई में जो है वो अरेस्ट है। और हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह की अगर बदतमीज़ी शुरू हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वीडियो जारी हो जाए, तो फिर हमारे ये इदारे किस लिए बने हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने इसकी रोकथाम करनी है, अगर ऐसे जो है लाकानूनीत को ख़त्म करना है, जो अपने हाथ में कानून लेकर वीडियो बनाकर अपने हाथों से कभी किसी की दाढ़ी काटें, किसी की मूछें काटें, किसी के बाल काटें और किसी का मुंह काला करें, इस तरह का ये बिहेवियर खुद करके, तो फिर ये वीडियो भी जारी करें, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अगर खामोश बैठी रहे, उसको जो है वो सज़ा ना दे, तो फिर मैं समझूंगा कि फिर तो किसी भी बाइज्जत आदमी का बचना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल है। और हम यहाँ जामा मस्जिद के सामने जो है वो इस वक्त खड़े हैं, और हम ये दरख्वास्त करेंगे हमारे यहाँ के जो मरकज़ी मुफ्ती साहब हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, वो भी इसकी कार्रवाई करेंगे। अभी उन तक ये बात नहीं पहुँची है, हम SDPO साहब के पास भी जाएंगे, हम SDM मेंडर के पास भी जाएंगे, और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्ती से ना की जाए, और फिर अवाम के सामने इसकी कार्रवाई ना लाई जाए, जिस तरह इसने वीडियो बना के लोगों को जो है वो एक समझो शर्मिंदा किया है। इसने अपने हाथ में कानून लेकर अगर इस तरह का मामला चलता रहा तो ये हर एक बाइज्जत काल जो है वो ख़तरे में है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये ख़तरे की घंटी है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुजारिश करूँगा कि ये हमारी अवाम मेंडर की तरफ से भी और फिर जामे मस्जिद की तरफ से भी इंशाल्लाह जो है वो फ़ोन भी होंगे और यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और मज़ीद हमें ज़्यादा अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो फिर हम जामे मस्जिद के इमाम साहब को भी इस्तेमाल करेंगे। और उससे पहले मैं यही गुजारिश करूँगा SDPO साहब मेंडर को, SDM मेंडर को, कि वो SHO गुरसाई को फ़ोन करें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अवाम के सामने लाएँ, ताकि आइंदा ऐसी बदतमीज़ी ना हो और ऐसी लाकानूनीत ना हो। बस हमारी यही गुजारिश है। रसूल हिल करीम अम्माबाद फ़ाहुज़ु बिल्लाहि मिनी शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानी रहीम। जैसा कि आपने सुना है, 2 दिन पहले एक मेंडर में एक इंसिडेंट हुआ, एक नौजवान ने एक निहत्ते और जो मस्जिद के लिए चंदा कर रहा था उसकी दाढ़ी काटी, उसकी टोपी गिराई, उससे बदतमीज़ी की, और ये आपको पता है दाढ़ी जो है सुन्नत रसूल है। हम अपने नबी के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, हम मर सकते हैं लेकिन हम कोई चीज़ नबी की शान में जो कहेगा, नबी की शान में जो गुस्ताही करेगा उसको कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा इनके साथ एक बहुत बड़ी गुस्ताही हुई है। हम आवाम से ये अपील करते हैं, मेंडर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, हम LG सरकार से ये अपील करते हैं, हम DC पुंछ से और SSP पुंछ, DSP गुरसाई,
और SHO हरनी से हम ये मोदबाना अपील करते हैं कि इसके साथ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ भी सकती है। लिहाजा हम फिर दोबारा यही अपील करते हैं कि नबी की शान में हम गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हमने की है। इसको इंसाफ दिलाया जाए, इस बंदे को इंसाफ जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और जो मुजरम है उसको सलाहों के पीछे रखा जाए। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल गफूर नक्शबंदी, मलकपुर गौलत से हूँ मैं। ये मोहम्मद अकरम नामी जो है ये एक गरीब आदमी है, नहायत ही शरीफ आदमी है। ये कम से कम एक साल से मेरे साथ में है, मदरसे के चंदे के सिलसिले में है। बीजी गली में परसों इसके साथ में रमज़ान अजीम ने जो बदतमीज़ी की है, ये जो बदतमीज़ी है ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जो मुसाफिर लोग हैं, उलमा लोग हैं, जितने भी हमारे ये लोग हैं, किसी के साथ में ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके उसने जो इसकी टोपी ज़मीन पर गिराई और इसकी जो दाढ़ी काटी है, ये चीज़ें हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी मामला है, आपस में कोई गुफ्तगू हुई है, कोई नाराज़गी है, तो वो हमसे राबता करें, बैठ के हर मसले का हल है। लेकिन उसकी दाढ़ी काट देना, उसकी टोपी को गिरा देना, उसको हरास करना, उसको मारना, ये देखिए जितने भी दुनिया के अंदर मसाजिद हैं, मदारिस हैं, हर आदमी चंदा करता है, मुसलमानों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसमें लगाते हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा, जिस तरह के हमारे आज महबूब साहब ने गुजारिश की है, मैं उनकी हर इस बात की हरफन हरफन तायद करता हूँ कि हमें महफूज किया जाए, हमारे इदारों को भी महफूज किया जाए और हमारे जितने भी उलमा हजरात हैं सबको महफूज किया जाए। आज ड्रग्स का दौर है, आज नौजवान जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं, ऐसे गंदे नौजवानों से हमें भी महफूज किया जाए और हमारी इज्जतें भी महफूज की जाएँ। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई हो या गैर मौलवी हो, दाढ़ी काटने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे आका की सुन्नत है, ये हमारे बाप दादा की रस्म नहीं, ये नबी की रस्म है और नबी की सुन्नत है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे कोई अपना हो, पराया हो, बड़ा हो, छोटा हो, ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए हम बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।